देखिए, सबसे पहले मैं जो अपने पंडारन खान तहसील के और तहसील झेलम के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, जो हमारे ताजर हैं, जो वकला है, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग किसी के लिए, मेरे लिए, इमरान खान के लिए, तरीके इंसाफ के लिए बाहर ना निकलें, निकले ना निकले फ़र्क नहीं है, पूरा पाकिस्तान ही निकला हुआ है, लेकिन अपनी जो हमारी रोड है जिसके ऊपर इतना जुल्म हुआ है कि 8 अरब रुपया खर्च करके अब हुकूमत ने उसको रोक दिया है, हमारे आप लाखों लोग आप खुद जो है वो सफ़र कर रहे हैं, और उसके लिए मैं कोई एहतजाज ही नहीं हो रहा। मैं अपने स्पेशली अलबेरूनी कॉलेज के और जो बाकी कॉलेजेस के और स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, लॉयर्स हैं, ताजर हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप अपने हक के लिए नहीं निकलना निकल सकते तो फिर कब निकलेंगे? देखें, दुनिया में तो हक ऐसे नहीं मिलते कोई घर पर बैठे हुए, तो आप सब लोग जो हैं वो एहतजाज के लिए जो है वो प्लान बनाएं, और ये जो मैं समझता हूँ कि पीटीआई के जो टिकट होल्डर्स थे उनको काम ये नहीं था कि वो टिकट इलेक्शन लड़ें और घरों पर बैठ जाएं, आपका काम है उसको मोबिलाइज करें, और ये एक पब्लिक मूवमेंट हमें चलानी पड़ेगी अपना राइट लेने के लिए, अदरवाइज ये देखिए हमारा पासपोर्ट ऑफिस भी चला जाएगा, हमारा यूपीआई ऑफिस जो है वो भी चला जाएगा, ट्रॉमा सेंटर जो है उनके ऊपर सिर्फ 10-10, 15% काम रह गया, वो भी नहीं जो है वो रुक रहा। आपके जो मौजूदा MNA हैं दोनों, बिलाल और फारूक, वो तो फॉर्म 47 के MNA हैं, उनकी तो कोई हैसियत नहीं है, उनकी अपनी पार्टियों को भी पता है कि इन लोगों की कोई हैसियत नहीं है, इनकी किसी ने नहीं सुनी। तो जब तक आवाम खुद अपने हक के लिए नहीं आएगी कि आपको हक जो है वो नहीं मिलेगा, तो हम तो जेलें अपने हिस्से की काट रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं है, अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है, आपको भी अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, और एक एहतजाज का मौसर प्लान जो है वो बनाएं और आप लोग बाहर निकलें।